नमस्कार। हम लोग सुबह से ही सफ़र करके हम लोग दिल्ली पहुंच चुके हैं। कई सारे विशेष मामले थे जिसको लेकर के हम लोग दिल्ली आए हैं। बहुत पहले से हम लोग की अपॉइंटमेंट लगी थी और भी विधिक सलाह लेने के लिए हम और विजय भाई दिल्ली पहुंच चुके हैं, और जैसा भी अपडेट होगा देर रात हम लोग लाइव आकर बताएंगे। आप लोग परेशान ना हो, कोई कितना भी परेशान करे, हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि लिस्ट कैसे आई है और इस लिस्ट को हम लोग नियुक्ति तक कैसे पहुंचाएंगे, ये भी हम बहुत अच्छे से जानते हैं। समय प्रतिकूल है, इस वजह से हम लोगों को थोड़ा परेशानी ज़्यादा है, हम लोग भाग ज़्यादा रहे हैं, लेकिन अंतोगत्वा हम ही लोग जीतेंगे। और वो लोग जो लोग फर्जी फोकट दिमाग लगाते हैं, जिनके पास दिमाग ही नहीं है तो वो दिमाग न लगाएं, उनके पास की बात नहीं है, ये बच्चों का खेल नहीं। 6800 नियुक्ति, इसमें बहुत बड़े बड़े हाई प्रोफाइल नेताओं का, मंत्रियों और सांसदों तक पहले भी हम लोग लगे रहे, ऊपर तक राजनीति, और कोर्ट में भी हम लोग सुप्रीम कोर्ट के बड़े बड़े वकीलों से आज और कल में हम लोग पूरा राय लेंगे, क्या कैसे इसमें किया जा सकता है, कैसे अच्छा अपने लिए हो सकता है, उस पर भी राय लेंगे। क्योंकि इलाहाबाद वो हाई कोर्ट लखनऊ बेंच के कई वकीलों से कल हम लोगों की बात हुई तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के लिए बात कही कि आप लोग बड़े वकीलों से इस पर चर्चा कर लीजिए, और चर्चा कर लीजिए, जो भी होगा उसके बाद आप लोग निर्णय लीजिएगा। तो हम लोग इसीलिए कि ऐसा कुछ ना हो जिससे हमारा नुकसान हो, अगर चीज़ें सही हैं तो हम लोग सुप्रीम कोर्ट के वकीलों से भी आज हम लोग पूरा जायज़ा लेंगे, जानेंगे कि क्या कैसे क्या इसमें अपने हो सकता है, क्योंकि पारा भी बहुत लंबा है हर स्तर से। बस आप लोगों से यही निवेदन है कि जितना प्रयास हम लोग कर रहे हैं उतना प्रयास आप लोग आर्थिक सहयोग में कीजिए, घर से कीजिए। अगर हम लोग मजबूत रहेंगे तो आप लोगों को कभी भी निराश हताश नहीं होने देंगे। अगर हम नहीं मजबूत रहेंगे तो हम कह सकते हैं कि आपकी लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन बिना मजबूती के हम आपकी लड़ाई न के बराबर लड़ सकते हैं। धन्यवाद। आगे की बात अभी हम लोग रखेंगे। साथियों, संघर्ष के पथ पर पता नहीं होता कि कब किस शहर में हम लोगों को भागदौड़ लगानी पड़ जाए। 6800 लोगों की नियुक्ति के लिए जो लिस्ट आई है, उस लिस्ट के लिए ऐसे ही दौड़ भाग लगातार करनी पड़ती थी। कभी दिल्ली आना पड़ता था, कभी लखनऊ, कभी अयोध्या, कभी गोरखपुर। उस कड़ी में आज हम लोग उसी क्रम को दोहराते हुए 6800 की जो 12 तारीख को सुनवाई लगी है उसमें क्या हम और ऐड कर सकते हैं जिससे हमारी नियुक्ति का रास्ता और नज़दीक आ सके, उस क्रम में आज हम सभी हम दोनों भाई जो है इस समय दिल्ली आ चुके हैं, दिल्ली पहुंच चुके हैं, आप लोग देख रहे होंगे। और हम लोगों का प्रयास यही है कि कैसे जो है जल्द से जल्द हमारे मामले में समाधान निकल सके, और चाहे कोर्ट से चाहे कोर्ट के बाहर नियुक्ति का रास्ता निकल सके। इसलिए हम सभी लोग यहाँ पर दिल्ली आ चुके हैं। तमाम मुलाकातें ऐसी हैं जो अभी ओपन नहीं कर सकते हम लोग, लेकिन उम्मीद रखिए कि जैसे ही वो मुलाकातें संपन्न होंगी हम लोग आपके साथ वो बातें साझा करेंगे। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के कुछ अधिवक्ता हैं, मोस्ट सीनियर अधिवक्ता हैं, उनसे भी विधिक राय लेनी है कि, और एक जो है प्रपोजल हम लोग तैयार करवाना चाहते हैं उनसे, जिसको हम उत्तर प्रदेश सरकार के बेसिक शिक्षा मंत्री को दे सकें और उनको जो है ये बता सकें कि कोर्ट के बाहर का क्या रास्ता है, कैसे आप नियुक्ति हमारे लिए कर सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ताओं से सलाह लेकर हम लोग जो है वो प्रपोजल जो यहाँ से तैयार करवाएंगे ऑन पेपर, वो एक तैयार करवा के मंत्री जी को और माननीय मुख्यमंत्री जी को और भी तमाम जो उत्तर प्रदेश के जिम्मेदार लोग हैं आपके समाज के, उन तक हम लोग जो है उपलब्ध करवाएंगे। तो इसीलिए हम लोग दिल्ली हैं आज, और दिल्ली से जो भी अपडेट होगी उसके साथ हम लोग जो है आपके बीच में जुड़ेंगे। मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूँ आपसे और हम दोनों लोगों का यही निवेदन है कि जो लोग ये कह रहे हैं कि ये लोग जो है बहुत सहयोग ले लिए, बहुत चंदा ले रहे हैं, तो मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि ये जो लिस्ट आई है ऐसा नहीं है कि ये लिस्ट सिर्फ वहाँ बैठने भर से आ गई है। बहुत सारे ऐसे प्रयास थे जिसको मैं अगर आपसे गिनाना चाहूँ तो हम लोग नहीं गिना सकते। हम लोगों ने पैसे को कभी पैसा समझा ही नहीं। जहाँ भी दिखता था कि यहाँ अगर 10 पैसे की ज़रूरत है, अगर 1 रुपया दे दें तो हमारी लिस्ट जल्दी आ जाएगी, तो हम लोगों ने वहाँ पर 1 रुपया देने का कार्य किया बिना किसी लालच के कि 10 रुपये बचा लें। रही बात आज की, जो लोग कह रहे हैं तो मैं उनको बताना चाहता हूँ कि 15 लाख 16 लाख रुपए वो लेके गए हैं, और जो आज हिसाब दे रहे हैं, जो लिख रहे हैं सोशल मीडिया पे कि 9 लाख रुपए 11 लाख रुपए, तो वो उनकी काल्पनिक, जिस घर में रहते हैं वो शायद किसी प्रेत आत्मा की वहाँ पे जो है कोई शिकायत है, उसकी किसी अच्छे से तांत्रिक उन्त्रिक से मिले और पहले वो बाधा दूर कराएं, फिर ये फालतू की बातें बोलना शुरू करें।
जिस दिन हिसाब देने की बारी आएगी हम लोग हिसाब भी दे देंगे, लेकिन पहले हमारा काम तो पूरा हो जाने दीजिए। जिस दिन नियुक्ति पत्र मिल जाएगा आपको, जिस दिन काउंसलिंग का शेड्यूल जारी हो जाएगा, उस दिन एक एक पैसे का ब्यौरा भी हम लोग आपको दे देंगे। लेकिन अभी फिलहाल हम लोगों का यही ठिकाना नहीं है कि कब लखनऊ रहना है, कब दिल्ली भाग के पहुंच जाना है, कब किस शहर में जाना है और कब किस मंत्री विधायक के यहाँ रात के 11 बजे 12 बजे हम लोग खाने की भी ये परवाह नहीं होती कि हमने खाना खाया कि नहीं खाया। इसलिए आप सबसे गुजारिश है कि इन सब चीजों में बेवकूफियों में किसी की मत फंसिए। जिसका जितना दिमाग है उसने ही बात करेगा। देखिए कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो ऊपर से बना के भेज दी जाती है, उसमें आप अब मैं किसी व्यक्ति की विशेष के लिए अगर मैं बुद्धि खरीद के उसके दिमाग में डालना चाहूँ तो ये नहीं हो पाएगा हम लोगों से कि कुछ पैसे जो कहते हैं 9 लाख 11 लाख, तो मेरा भविष्य है तो वो 9 लाख रुपए इकट्ठा करके मैं पहले उनके दिमाग में थोड़ी सी बुद्धि भर दूँ जिनके दिमाग में फितूर भरा हुआ। तो अभी भी समय है, इन सब बातों पे वक्त जाया मत करिए। अगर आप वास्तव में भला चाहते हैं सबका तो आइए मिल के साथ लड़िए। हम लोग आह्वान कर रहे हैं, बुला रहे हैं आपको, गुजारिश कर रहे हैं, आइए इन सब बातों में मत पड़िए। अमरेंद्र भाई कुछ है? देखिए सबसे बड़ी बात है, अब पहले भी लोग हम लोगों को चिल्लाए कि नहीं प्रत्यावेदन सीजन वो शुरू हो गया है, जब हम लोग आंदोलन शुरू किए तो बोले प्रत्यावेदन सीजन 2 शुरू होने वाला है, तो ऐसा नौबत ना आइए, हम लोगों को जलील ना करवाइए। मेरी निवेदन है, मेरी मार्मिक निवेदन है कि यार जितना हम तुम्हारे लिए लड़ लिए, जितना हम तुम्हारे लिए लड़ रहे हैं, शायद तुम्हें कभी मौका जीवन में मिले कि तुम्हारे लिए कोई हम लोगों के से ज्यादा कोई लड़ पाए। क्योंकि गार्डन में जो बैठे साथी हैं वो एक तरीके से हमारे लिए कर्णधार हैं, वो लोग जिस तरीके से मेहनत कर रहे हैं सरकार पे प्रेशर, और हम लोग उन्हीं की वजह से, उन्हीं के दर्द, उन्हीं के दुख, उन्हीं का मेहनत देखकर हम लोग आज सुबह सुबह दिल्ली निकले हैं और पूरे टाइम भागते हैं। वो आप लखनऊ में भी हम लोगों को देखते हैं, यहाँ भी देख रहे हैं, दिल्ली में कई मंत्रियों से मुलाकात है और वकीलों से मुलाकात है और कई चीजें जो हम आपको नहीं बता सकते। अगली बार लिस्ट आई थी, आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है कि हम और विजय भाई 7 दिन 8 दिन यहाँ दिल्ली में ठहरे थे और चीजें यहाँ से क्या बना के गए थे, क्या बिगाड़ के गए थे, क्या किसको खिला के गए थे, वो हम ही लोग जानते हैं। वो चीजें हम लोग कर रहे हैं। बस आपसे निवेदन है कि 1,500 2,000 5,000 चक्कर में मत पड़िए, जिससे जितना सहयोग हो सके वो सहयोग करिए। अगर हम आपको नियुक्ति नहीं दिला पाए तो ये समझ लीजिएगा कि ये लोग हमारे भाई हैं, हमारे लोग हैं। अगर ये लोग नियुक्ति नहीं दिला पा रहे हैं तो कोई और आपको दिलाने नहीं आएगा। हम लोगों ने वही कहते हैं मगरमच्छ के मुंह से ये लिस्ट निकलवाई है और आज भी आगे भी हम लोग ये पूरी कोशिश है। कुछ लोग कह रहे हैं, नमूने हैं जो साले कह रहे हैं कि 12 तारीख तक देख लेना। तुम क्या देखोगे? अरे तुम 12 तारीख मतलब इंतजार कर रहे हो, हमारे मरने का इंतजार कर रहे हो, हमारी लाशों का इंतजार कर रहे हो? क्यों नहीं 12 तारीख से पहले आज तुम आओ जाओ लड़ो, क्यों 12 तारीख का इंतजार कर रहे हो? साला मर हम लोग रहे हैं, भाग हम लोग रहे हैं, तुम होते कौन हो दिमाग लगाने वाले? मैं वही कहता हूँ ना कि जिसका वही के बातों के वो लातों के देवता बातों से नहीं मानते तो वो वाकई में है, ये सत्य है। बहुत जल्द इसको हम दिखाएंगे, जरूरत पड़ेगी तो। मैंने बहुत मौका इनको दे दिया, बहुत जलील, तो इन लोगों की हैसियत नहीं कभी अमरिंदर और इनकी टीम के बारे में बोल पाए, लेकिन वही है कि हम लोग छूट दे दिए, ये साले कट्टा बंदूक और पिस्टल लेके घूमते हैं, सारी हैसियत नसीहत इनको हम दिला देंगे। धन्यवाद।